और आज हम बात करने वाले हैं इस सीट के बारे में, स्टोक सीट, सहारा सीट, जो सहारा की सीट आती है मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो, और जो मैंने एक न्यू सीट मंगाई है वो भी आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा, देखते रहो एंड तक, ठीक है गाइस। तो सीट के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सीट ढूंढ रहा था ना, मैंने दो सीटें चेंज की, स्ट्रोक तो आती है साथ, क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था सीट मेरे को बहुत मुश्किल हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर सीट के बारे में, तो मेरे को लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो हम हाजिर हैं आपके सामने और आज हम बात करेंगे सीट्स के बारे में, तीनों सीट्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रोक सीट के साथ, ये हमारी स्ट्रोक सीट, ठीक है। अब मैं इसका पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, कोई बोलेगा स्ट्रोक सीट नहीं है या कुछ भी, तो मैं पार्ट नंबर दिखाता हूँ, गाइस सर्च कर लेना, स्ट्रोक सीट का ही पार्ट है ये, पार्ट नंबर पढ़ो गाइस, ये लो गाइस। तो गाइस पार्ट नंबर देख लिया आपने, और पहली चीजें करते हैं अच्छी चीजें बात इस स्ट्रोक सीट के बारे में, फिर बुराई करेंगे राज्य की, मजाक कर रहा हूँ गाइस। शुरू करते हैं, जो मेरे को अच्छी चीजें लगी, सिर्फ एक ही अच्छी चीज है इसमें गाइस, कि ये लाइट वेट है बहुत, ये देखो जैसे मर्जी इसको घुमाओ, ये देखो, क्योंकि ये पीछे है जो ये प्लास्टिक, सबसे बड़ी बात, लाइट वेट जितनी सीट होगी मेरे हिसाब से उतनी कंफर्टेबल होगी, जितनी भारी सीट होगी, ये लोहे का आता है ना कई सीट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, वो भी आएगी बात आगे, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सीट प्लास्टिक की है, ठीक है, हल्की है, लाइट वेट, बाइक पे वेट कम रहता है, पहले ही बहुत वेट है इंटरसेप्टर का, आपको पता ही है अपने पास बगीरा है इंटरसेप्टर, तो उसका आपको पता ही है वेट बहुत है बाइक का, तो जितना कम हम लोड वेट करेंगे, मतलब वेट को लोड कम करेंगे बाइक से, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है बाइक के लिए भी, क्योंकि टूरिंग करते हैं राजस्थान के आप, जैसे गाइज आपने सीरीज देखी होगी, तो नहीं देखी तो जाके देखो गाइज पहले। तो आप सोच रहे होगे स्टोक सीट ऐसी नहीं आती, क्यों नहीं आती गाइज, मैं बताता हूँ, जो स्टोक सीट थी मैंने उसका कुशन चेंज कराया था, ये देखो, ये देख रहे हो गाइज कितना, ये कैसे दबरी है, मेरे को लगा सॉफ्ट कुशन होगा तो कंफर्टेबल होगी सीट, पर ज्यादा सॉफ्ट कुशन होने से भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, पहली दिक्कत कि हम जब बाइक चलाते हैं लॉन्ग राइड पे, मान लो लॉन्ग राइड पे गए हो, आपने बाइक चलानी है 100 या 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर वन रन, एक रन में बिना ब्रेक के बात कर रहा हूँ, बिना ब्रेक के गाइस, तो ये सीट कंफर्टेबल नहीं है गाइस, जब आप 100 किलोमीटर चलाओगे ना ये ऐसे दब जाएगी बिल्कुल, सीट नीचे ही रह जाती है गाइस, ये इतना सपोर्ट ही नहीं मिलता बैक को, मतलब हिप्स को, आपके हिप्स आपके टच होंगे प्लास्टिक पे या नीचे, वो दर्द होगा, तो थोड़े टाइम बाद 100-150 किलोमीटर बाद ये दर्द देना शुरू कर देती है सीट, आप लॉन्ग राइड इस पे नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कमी क्या है, इसमें हिप्स का सपोर्ट नहीं है गाइस, हिप्स का ये देखो बिल्कुल फ्लैट, स्ट्रोक सीट भी फ्लैट आती है गाइस, ये सीट भी फ्लैट है, ठीक है, और इसमें हिप्स का सपोर्ट नहीं है, हिप्स के सपोर्ट ना होने से ना हिप्स आपके इतने दर्द करते हैं ना गाइस, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो स्ट्रोक सीट आप बदल ही लो, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सिटीज में चला रहे हो, आपने 20-25 किलोमीटर चलाना है सिर्फ रोज बाइक, तो जरूरत भी नहीं है, अगर आपने हाँ लॉन्ग राइड करनी है, आप राइडर हो प्रॉपर, तो चेंज करो, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए, बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चेंज करने के लिए देख रहे होगे गाइस। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीट के ऊपर, ये हो गई स्टोक सीट अपनी, उसके बाद हमने मंगाई थी ये आ गई अपनी सहारा की सीट, ये कुछ ऐसी है गाइस, ये देखो ये राइडर सीट, राइडर की सीट के ऊपर स्पोर्ट है गाइस, ये देखो है ना स्पोर्ट, ये स्पोर्ट आ जाएगा। दूसरा जो पिलियन के लिए सीट है ना गाइस, ये जीरो कंफर्टेबिलिटी गाइस, जीरो कंफर्टेबिलिटी, क्यों मैं बताता हूँ, ये राउंड है, स्पेस देखो कितना सा है पिलियन के लिए, इतने स्पेस पे आता है पिलियन, क्योंकि जब मैं बैठूंगा राइडर बैठेगा तो पूरा सपोर्ट लेके बैठेगा, और बैक होके भी बैठते थोड़ा कई बार राइडर, तो इतनी सी सीट पे पिलियन नहीं आ पाता गाइज, इसमें पिलियन मतलब ही नहीं बैठ जाएगा गाइज, मतलब कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है जैसे मर्जी, छोटी छोटी जगह पे जाना है थोड़ा बहुत चलना है तो
दैट्स गुड। लॉन्ग राइड पे जा रहे हो फिर वही बात करूंगा मैं, अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो तो ये सीट पिलियन के लिए ये सीट बिल्कुल जीरो है गाइस, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, इस पे पिलियन की बात होगी। सेकंड पॉइंट है इसका जो ये चीज है ना, ये चीज बहुत अच्छी है राइडर के लिए, ये सीट बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है इसमें, इसमें मैंने डलवाया था गाइस जेल पैड, जेल पैड की वजह से इतनी कंफर्टेबल है ना गाइस, इतनी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल सीट है गाइस। मैंने इस पे 200-250 किलोमीटर भी किए हैं लगातार, अभी राजस्थान गए थे तो वो भी किया हमने, और बहुत बढ़िया राइड रही मेरी। पर इसमें कमी क्या हुई यार, ये पूरी ना दब चुकी है गाइस, हार्ड हो चुकी है, अब ये रिपेयर मांग रही है सीट, तो मैंने सोचा रिपेयर कराऊंगा 500 मतलब ये लगा लो 2-3 हज़ार लग जाएंगे, ठीक है 3000 के अराउंड जेल पैड डलेगा इसमें, सीट कवर चेंज होगा, ठीक है और थोड़ी बहुत नुक्स जो होगा वो चेंज करेंगे कंपनी वाले। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा एक नई सीट ले ली जाए, तो इसलिए हमने इसको रिपेयर कराने का अभी सोचा नहीं है, अगर करानी होगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है। ये बात होगी गाइस, ये दब चुकी है सीट, खत्म हो चुकी है, जेल पैड इसका खराब हो चुका है, सीट कवर मैं एक बार चेंज करा चुका हूँ इसका, क्योंकि सीट कवर गाइस चेंज कराना इसलिए था क्योंकि वो ना सारा बीच में से फट गया यहाँ से। और गाइस ये देखो ये जेल पैड के निशान दिख रहे हैं आपको, शायद आपको ना दिख रहे हो, ये जेल पैड एक तो ऑयल छोड़ता है, पता नहीं कैसा सा ऑयल है, कैसा ऑयल है ये सारी सीट पे ऑयल ही ऑयल हो जाता है जेल पैड की वजह से, जो इसका जेल पैड था वो फट गया था। अब मेरे को नहीं पता वो कैसे फटा, ज्यादा वेट की वजह से फटा है, किस वजह से फटा है, उसकी वजह से ये सारी सीट खराब हो चुकी है। और दूसरा थर्ड गाइस फर्स्ट हमने पिलियन के लिए बात कर ली, सेकंड हमने राइडर के लिए बात कर ली, राइडर का जो ये एरिया है वो अच्छा है बट ये कुशन खराब हो चुका है अब, और जेल पैड भी खराब हो चुका है इसमें, ये चीज होगी गाइस। थर्ड पार्ट जो इस चीज में मेरे को अच्छी नहीं लगी, जो मैंने अपनी गलती की वजह से मतलब 500-600 हज़ार बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया, ये सुन रहे हो गाइस, ये मेटल का मंगा लिया था, ये मेटल है सारा, पीछे प्लास्टिक नहीं है, और ये सीट बहुत हैवी है गाइस, बहुत हैवी, इतनी सीट हैवी होनी नहीं चाहिए, तभी मैंने उसके बारे में बात की, प्लास्टिक हो तो बेटर है, ठीक है। और ये सीट अच्छी है गाइस पर मेरे हिसाब से तो कॉस्टली बहुत है, अगर आप इसमें प्लास्टिक का पैनल ऐड कराओगे तो मेरे हिसाब से ये जाएगी कोई अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7000 या 7500 के आसपास, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है इतनी महंगी मेरे लिए ना, ये एक साल चलिए गाइस, एक साल में मैंने इसका कवर भी चेंज कराया जो पूरा फट चुका था, जेल पैड भी इसका एक साल में ही खराब हो गया, 1 ईयर में ही। तो आप देख लो अगर आपको सूटेबल लगती है, अगर आपका वेट कम है तो आपके पास चल जाएगी, तो अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हो, पर इसके मुकाबले की एक और सीट है गाइस, उस पे चलते हैं हम, उसी की बात करेंगे। 1 2 3 ये लो गाइस, ये सीट जो हमने अभी नई ऑर्डर की थी, जो हमारे पास 10-15 दिन पहले आ चुकी है, जिसको हम वीडियो के लिए रिकॉर्ड करना था तो हमने ओपनिंग भी नहीं की थी, तो आज मैंने निकाल ही ली बार गाइस आपको दिखाने के लिए। चलो तो चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी ऐसी सीट है गाइस, अब कैसे दिखाऊं, ये जो कुशन है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा बाहर है, ताकि जो आपके हिप्स है ना, ये जो थाइज होते हैं ना, ये गाइस, ये जो चीज़ बाहर लटकी रहती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें। और जो इसका कुशन है वो हार्ड कुशन है गाइस, इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड मिक्स का कुशन है इसका। ये देखो, ये पूरी नहीं दब रही, जान लगानी पड़ती है इसको दबाने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा लाइट कुशन है जिसके बारे में मैंने बात की। और दूसरा गाइस, सर्टिफाइड टूरिंग सीट है ये, फ्रॉम रॉयल इनफील्ड गाइस, रॉयल इनफील्ड की सीट है गाइस, गाइस डीलक्स टूरिंग में आती है ये, पार्ट नंबर मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, पार्ट नंबर के लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और ये सीट मेरे को अच्छी लगी गाइस, बाकी मैं इसको यूज़ करूंगा, फिर आपके सामने रिव्यू करूंगा इसके बारे में, बाकी मैंने शायद सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। और एंड में हम एक और बात करते हैं कि जब भी आपने सीट लेनी है, तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, तीन गाइस, तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं
सोच के चलना और तब पैसे इन्वेस्ट करना। मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया अपना। तो सुनो गाइस, पहली चीज ये है कि आपने ये देखना है कि आपने टूरिंग करनी है या नहीं, कि आपको सीट चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। फर्स्ट चीज की जरूरत है हमारे को सीट चेंज करने की या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप सीट चेंज कर रहे हो, आपने मन बना लिया 5 या 6 थाउजेंड के अराउंड लगाने हैं, अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सारी सीट्स पहले तो ऑनलाइन मत मंगाओ गाइस। ऑनलाइन का ना बहुत, मैं पहले भी पछता चुका हूँ ऑनलाइन शूज़ मंगा के, तब भी यही हुआ था, अब सीट में भी ऐसा ही हुआ। मतलब सीट अच्छी निकली पर लॉन्ग टर्म नहीं चली गाइस। साल में अगर 6-7 हज़ार की सीट खराब हो रही है तो फायदा नहीं है ना कोई। तो इससे अच्छा इन्वेस्ट करना है तो अपने कंपनी में जाओ, कंपनी से लो सीट। तो सेकंड चीज हो गई कि देख के लो इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये थोड़े नहीं होते गाइस, 6 या 7 थाउजेंड रुपीज़ बहुत होते हैं गाइस। तो अगर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी अच्छी ही चीज में करो ताकि आपका पैसा खराब ना हो। मेरा सबसे मेन मोटिव ये है इस वीडियो बनाने का, ये वीडियो बनाने का, कि आपका पैसा खराब ना होगा। इस मेरा तो हो चुका है, 3 3 सीटें हैं, उसमें भी पैसा लगाया, स्टॉक सीट चेंज कराई थोड़ी सी मैंने, फिर उसमें पैसा लगाया, अब एंड में आके मेरे को ये मंगानी पड़ी, टूरिंग सीट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। और थर्ड, अगर कोई यूज कर रहा है, उसको देखा अच्छी लग रही है यार सीट, बाय कर ली, अच्छी लग रही है यार सीट, बाय कर ली ना, कंपनी से बात करो। क्योंकि ये जो सीट्स होती है ना गाइस, अभी मैंने रॉयल एनफील्ड से ली, ये स्पेशली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एंड डिजाइंड फॉर इंटरसेप्टर 650 डिलक्स टूरिंग सीट, लिख लेना गाइस, आ जाएगा सबसे पहले यही सीट आएगी, डिलक्स टूरिंग सीट फॉर इंटरसेप्टर 650 यही सीट आएगी गाइस। क्या है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, वो अपने ही प्रोडक्ट पे उसको सेटअप करती है, फिर कई चेक पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद कंपनी निकालती है। स्पेंड योर मनी इन गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो गाइज ऐसे ही पैसे मत खर्चो अपने, चेक करो आपको किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए आपको क्या नहीं, तो सोच समझ के अपना पैसा खर्च करें। ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइज। इतनी वीडियोस देखी है आपने, वो एलओए वाली वीडियो डाली थी जो मैंने इन्फॉर्मेटिव, वो गाइज सब्सक्राइब करो गाइज यार, लाइक नहीं करते सब्सक्राइब ही नहीं करते गाइज, मोटिवेशन कहाँ से आएगी। फिर मैं 4 4 महीने गायब रहता हूँ, जो बीच में 3 3 महीना तो मोटिवेशन नहीं मिलती, तभी हम गायब हो जाते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करते रहो, और एलओए वाली वीडियो यहाँ आ रही है, अगर आपको, आपने नहीं देखी एलओए की वीडियो, अगर आपको पार्ट लेना है एलओए पार्ट, तो जाके क्लिक कर लो और वीडियो देख लो। और कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी गाइज, आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड राइड हार्ड राइड सेफ, एंड राइड करो दबके सड़के ना पुर राज्य के गाइज। ओके बाय।